अर्हत वाङ्मय के प्रतिष्ठित आदम दसवें आलियम में कहा गया है, उव समीर्ण हनि को हम, हमारे भीतर एक संस्कारों का जगत है, जहां असत संस्कार भी विद्यमान है और सत संस्कारों का अस्तित्व भी है। जो मनुष्य वीतराग बन जाता है उसमें तो सत संस्कार ही प्रगाढ़तया होते हैं। जब तक आदमी की चेतना कषाय से रंजित रहती है, यहां तक कि साधु बन जाने के बाद भी आत्मा पर कषाय का असर बना रहता है। छठे गुणस्थान तक साधु भी कभी कभी आवेश में चला जाता है, आक्रोश अहंकार लोभ आदि विकार अपना रंग दिखाने लग जाते हैं। गुस्सा एक ऐसा असत संस्कार है, यदा कदा वह हमें बाधित करता रहता है, भावित करता रहता है। साधना यह है कि आदमी कषाय पर विजय पाने का प्रयास करे, आक्रोश की चेतना को क्षीण करने का, कृश करने का प्रयास करे। आदमी स्वयं भी अपने ही आक्रोश के कारण व्यथित भी हो जाता है। क्रोध एक ऐसा तत्व है जिसके कारण से विभिन्न नुकसान हो सकते हैं। आप लोग पारिवारिक जीवन जीते हैं, अनेक सदस्य परिवार में जब साथ में रहते हैं और कोई आदमी बात बात में गुस्सा करेगा, परिवार में उसका सम्मान कम होने की संभावना है। अनुशासन करने के लिए भी बार बार गुस्सा करना आवश्यक नहीं होता है। बार बार कड़ाई करना भी कदाचित आवश्यक हो जाए, प्रायः आवश्यक नहीं होता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने एक बार गीता सर में कठोर अनुशासन का प्रयोग किया था। यही थान सुथान का भवन है जहां गुरुदेव तुलसी ने कुछ साधुओं पर कठोर एक्शन लिया था, संबंध विच्छेद भी किया, प्रायश्चित दिया, संबंध विच्छेद प्रायश्चित रूप में कड़ाई का प्रयोग किया था। तो वह बहुत बड़ी कड़ाई थी। हमने सुना, लोगों ने कहा कि यह तो डालगुणी का रूप आ गया है गुरुदेव तुलसी में। डालगुणी को देखा नहीं होगा बहुत लोगों ने, तो उस समय गुरुदेव तुलसी में मानो डालगुणी का रूप आ गया था। परंतु वैसी कड़ाई कोई बार बार थोड़ी की थी गुरुदेव तुलसी ने, कभी कभार कभी बार बार वह कड़ाई थोड़ी की थी। इसलिए अनुशासन के लिए कभी कभी कठोरता का प्रयोग अपेक्षित हो सकता है, पर सदा उसकी अपेक्षा नहीं रहती है। पारिवारिक जीवन में कदाचित कदाचित तो कठोरता भी करनी पड़ जाए, पर बार बार अनपेक्षित आवेश बस कोई आदमी बोलता रहता है तो उसकी इज्जत में अंतर आ सकता है।
परिवार के सदस्यों के मन में प्रीति भाव कम हो जाता है। साधन वांग्मय में कहा गया को हो पीइन पणासे, क्रोध प्रेम का प्रीति का नाश करने वाला होता है। तो जब आदमी गुस्से से आविष्ट हो जाता है उसका चेहरा भी अशोभनीय हो जाता है। विनम्रता की स्थिति में चेहरा कितना शोभायमान लगता है और आक्रोश की अवस्था में चेहरा भी अदर्शनीय सा बन जाता है। पारिवारिक सुव्यवस्था की दृष्टि से भी क्रोध का प्रायः वर्जन रखना वांछनीय होता है। व्यापारिक संदर्भ में आप देखें, आप अगर व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, तो बात बात में ग्राहकों के साथ गुस्सा झगड़ा करेंगे तो ग्राहक आपकी दुकान पर चढ़ना क्यों चाहेंगे? आप अगर प्रेम से सम्मान से बात करेंगे तो ग्राहक का भी मन होगा आपकी दुकान पर आने का, परंतु आक्रोश करना तो ग्राहक को भी दूर करने का कारण बन जाता है। तो व्यापारिक दृष्टि से भी क्रोध नुकसान देह बन जाता है। सामाजिक दृष्टि से देखें, समाज में किसी संस्था में आदमी काम करता है और वह बार बार आवेश करता है, साथ ले चलने की स्थिति उसकी नहीं है, तो किसी संस्था में समाज में उसको मुख्य स्थान देना कौन चाहेगा? जो आदमी वाणी का भी संयम नहीं रख सकता, आक्रोशपूर्ण भाषा बोलता है, गालियों के बिना बात नहीं करता है, ऐसे आदमी को कौन अध्यक्ष बनाना चाहेगा, कौन प्रमुख बनाना चाहेगा? जब कोई बन भी गया तो लंबे काल तक वो कितना कैसे टिक पाएगा, प्रश्न चिन्ह की बात है। सामाजिक संदर्भ में भी क्रोध आदमी के लिए नुकसान देह बन जाता है। मानसिक दृष्टि से देखें तो आक्रोश करने से मन भी आदमी का अप्रसन्न बन जाता है, सहज आनंद की स्थिति नहीं रहती है। तो मानसिक दृष्टि से भी आक्रोश लाभदायी नहीं होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, आत्मा के हित की दृष्टि से देखें तो क्रोध करना तो कर्मबंध का कारण होता है। क्षमाशीलता कर्म निर्जरा का कारण बन जाती है। प्रतिकूलता को शांत भाव से सहन करने से कर्म निर्जरा होती है। इसलिए आक्रोश क्रोध तो हमारी दुर्बलता है। हमें यदा कदा किसी को आक्रोश आता है वह हमारी कमजोरी है। गालियां देना कौन सी बड़ी बात है? किसी का गुस्से में आकर अपमान कर देना कौन सी बड़ी बात है? और यूं गालियां सुनेगा भी कौन? बराबर का आदमी है तो वह आपकी गालियां क्यों सुनेगा? एक बार मान लो सुन ली तो दोबारा क्यों सुनेगा? फिर सामने वाला भी जवाब देने से क्यों चूकेगा? कोई साधु पुरुष हो तो छोड़ दे, साधु तो समता से सहन भी कर ले। हर कोई आदमी किसी के आक्रोश को क्यों सहन करेगा? कोई स्वार्थ हो तब तो फिर भी सहन करना पड़े किसी के आक्रोश को, वरना कोई किसी की हुकूमत क्यों सहन करेगा? तो हमारे जीवन में क्षमा का विकास हो, प्रतिकूल परिस्थिति में भी क्षमा का भाव रखना, यह साधना है। संस्कृत में कहा गया क्षमा वीरस्य भूषणम्,
क्षमा वीर आदमी का भूषण होता है। गुस्सा करना तो कमजोर आदमी का लक्षण है, एक सीमा तक कमजोरी है तब गुस्सा आता है, और सामर्थ्य होने पर भी क्षमा रखना यह वीरता का लक्षण है। मार सके मारे नहीं ताको नाम मरत। एक आदमी के पास तो क्षमता ही नहीं है, वह शांत रह जाए व्यवस्था में कोई बड़ी बात नहीं। क्षमता है शक्ति है फिर भी क्षमा रखे वह बड़प्पन की बात होती है। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंत विहीन विष रहित विनीत और सरल हो। जिस सांप में विष है दांते हैं काट सकता है वह समता रखे तो विशेषता की बात है। पर मघवा गणी तो अपने ढंग के थे, रात्रि में कई बार स्वयं अपना बिछौना लेकर के नीचे ही पोढ़ा जाते। आचार्य थे, पट पर पोढ़ाए हुए, लगा कि यहाँ गर्मी है, हम संतों को क्यों उठाएं रात में, इनकी नींद क्यों डिस्टर्ब करें। मघवा गणी स्वयं अपना बिछौना लेकर कहीं ठंडी जगह जहां लगती बात पधार कर पोढ़ा जाते। एक बार ऐसा ही हुआ, मघवागणी को कोई गर्मी की समस्या हुई होगी, कहीं एक जगह स्वयं जाकर के सो गए। जैसे संत सामान्य संत सोते हैं वैसे पोढ़ा गए। तो उन दिनों में एक संत थे पंजी नाम के मुनि जी थे, वे सुबह से संतों को उठाने का काम संभवतः वो करते थे। तो वे संतों को उठाते उठाते जहां मघवागणी पोढ़ाए वहां आए, का संतो उठो उठ जाओ संतो उठो। मघवा गणित का पंजी मैं क्या उठ जाओ का अवश्य काम कर लो। फिर देखा रे मघवा गणित स्वयं पोढ़ाए गए हैं, तो कितना उनमें क्या भाव था। हालांकि कोई आवश्यक नहीं है कि आचार्य ऐसे उठ करके अकेले सोए, परंतु मघवागणी के जीवन की यह बात आती है कि वे ऐसा भी कर लेते थे, स्वयं अकेले कहीं जाकर के सो जाते थे। और यह तो अपना अपना चिंतन या रुझान है, जैसा उपयुक्त हो वैसा ही करना चाहिए। परंतु कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि मघवा गणी हमारे धर्म संघ में उपशम की दृष्टि से एक उदाहरणीय संत पुरुष है। हालांकि वे तो संतों के भी स्वामी थे, तो उनकी संतता थी वह अपने आप में विशिष्ट थी। कोई किसी पद पर आ जाए वह एक बात है, अपनी संतता का विकास होना अलग बात होती है। तो मघवा गणी के जीवन से उपशम की क्षमा की प्रेरणा ली जा सकती है। और बहुत छोटी अवस्था में ही जयाचार्य ने उनको अपना युवाचार्य बना दिया था। कोई पूर्वकृत पुण्य का योग होता है तब ऐसा उच्च स्थान किसी साधु को प्राप्त होता है। तो आदमी को अभ्यास यह करना चाहिए कि गुस्से पर मेरा कंट्रोल रहे। मैं चाहूं तो गुस्सा करूं, न चाहूं तो न करूं, इतना कंट्रोल तो मेरे में हो ही जाए। और बस प्रयास और अभ्यास बड़ी चीज होती है। अभ्यासेनच सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। केवल मनोरथ मात्र से कार्य सिद्धि नहीं होती है, अभ्यास से कार्य सिद्ध होता है। जिस आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है उसके लिए विचारणीय है कि मैं किस प्रकार संकल्प के द्वारा प्रयोग के द्वारा
स्वयं की आक्रोश की वृत्ति को परास्त करने का प्रयास करूं। मेरी वाणी में कैसे मिठास रहे, वाणी में कर्कशता भी हो सकती है और वाणी में मधुरता भी हो सकती है। कर्कश वाणी कितनी अप्रिय होती है, अमनोज्ञ होती है, और मधुर वाणी कितनी प्रिय लगती है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चिहु और वशीकरण यह मंत्र है तदे वचन कठोर। मधुर भाषा याथार्थ युक्त हो तो कितनी ऊंची कोटि की भाषा बन जाती है। जिस भाषा में आक्रोश हो याथार्थ हो वह भाषा तो कलंकित सी भाषा बन जाती है। तो हमारे में एक आक्रोश की वृत्ति न रहे या कंट्रोल्ड हो जाए तो हमारी भाषा भी अच्छी बन सकती है और हमारे चित्त में समाधि भी रह सकती है, शांति भी रह सकती है। आदमी आक्रोश में आकर सांप की तरह फुफकारने लग जाता है। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे गुरु हमको निकट अतीत में मिले थे, अब जिन गुरुओं के पास रहने का मौका मिले उनसे कुछ विशेषताएं भी जीवन में ग्रहण कर ली जाए तो गुरुओं के सान्निध्य में रहना अधिक सार्थक हो सकता है। और गुरुओं की ही बात नहीं, और भी जिन किन्हीं के पास रहने का मौका मिले उनमें कोई विशेषता हो उस विशेषता को ग्रहण करने का यथोचित प्रयास होना चाहिए। तो वह उनकी विशेषता हमारी अपनी विशेषता भी बन सकती है। गुरुदेव तुलसी का गीत सुंदर है, गुस्से के संदर्भ में, क्रोध के संदर्भ में। छोड़ो क्यों को नी क्रोध रो न सो, छोड़ो क्यों आँखा में लोही रो फाण, छोड़ो क्यों को नी क्रोध। तो इस दुर्गुण को हम छोड़ने का प्रयास करें यथोचित रूप में और अपने भीतर क्षमा भाव को पुष्ट करने का प्रयास करें तो क्षमाशील बनो यह कहना सार्थक सिद्ध हो सकता है। सांस सांस में तुलसी तुलसी, सांस सांस में तुलसी तुलसी, जब तन में बन जाए आता दीप जलाए, आता दीप जलाए। श्री नाम करताए खूब समन, श्रद्धा से हम करें स्मरण। तुलसी नाम करताए खूब समन, श्रद्धा से हम करें स्मरण। Thank you.